हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फोटोसिंथेटिक या फिर फोटोट्रॉफिक मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो यस, सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसके बारे में, देन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, देन टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म, एनऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म, एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें रोडोप्सिन बेस्ड फोटोसिंथेसिस होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यस, रोडोप्सिन बेस्ड फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यस, और इन तीनों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, रोडोप्सिन बेस्ड फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। देन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सब हम इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं, यस, सबसे पहले कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिराइव करते हैं उनकी एनर्जी कैसे, जस्ट ऑक्सीडेशन से, नहीं कि उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन कर दिया, बट वो कैसे करते हैं कि उनमें जो लाइट एनर्जी होती है, ठीक है, जो लाइट एनर्जी होती है उसको यूज़ करते हैं, कैप्चर करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं अपने एटीपी को, और साथ साथ रिड्यूसिंग पावर को, या रिड्यूस पावर को हम कह सकते हैं, जिसकी फॉर्म में होती है NADPH की फॉर्म में होती है। जो प्रोसेस है, अगर मैं डिफाइन करूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि फोटोसिंथेसिस है क्या, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी को ट्रैप्ड करके, ठीक है, सनलाइट से जो लाइट एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप करते हैं और क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। जो लाइट एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यूजुअली एक फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिड्यूस करता है एंड क्या करता है, उसको इनकॉर्पोरेट्स करता है किस में, CO2 में, ठीक है। एक रिएक्शन अगर मैं सिंपल से डिस्कस करूं तो यहाँ पर H2A, ये सिंपल रिएक्शन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, CO2, ठीक है, यस, क्या देता है हमें, एक कार्बोहाइड्रेट देगा और साथ साथ क्या देगा, 2A+H2O, ठीक है। ये A कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, या और कोई, या जैसे हम कह सकते हैं H2S, ठीक है, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या लगेगी, लाइट लगेगी, ठीक है, और साथ साथ अगर ये बैक्टीरिया में हो रहा है तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल, एंड अगर ये प्लांट्स में हो रहा है, हायर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, तो सिर्फ क्लोरोफिल लगेगा। बट इन केस ऑफ रोडोप्सिन बेस्ड फोटोट्रॉफी ऑर्गेनिजम्स तो उनमें क्या होता है, यस, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, बाकी रिएक्शन सेम रहेगी। नेक्स्ट, ये जो फोटोसिंथेसिस में अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएँ, तो जो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिस पूरी अर्थ पे, क्यों, क्योंकि जो ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी है अल्टीमेटली कहाँ से आ रही है, सोलर एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, और ये हम तक कैसे पहुँचेगी, ठीक है, ये जो सोलर एनर्जी है ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास जाएगी, ठीक है, और वहाँ से ATP बनेगी, साथ साथ रिड्यूसिंग पावर बनाएगी जो कि नेसेसरी होगी किसके सिंथेसिस के लिए, ऑर्गेनिक मटीरियल के सिंथेसिस के लिए, जिसकी हमें नीड होती है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। इन टर्न ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कैसे सर्व करते हैं, एज अ बेस ऑफ मोस्ट फूड चेन, हमें पता है हम प्लांट से फूड लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फूड चेन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, बायोस्फेयर में। वन टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर ल्यूटिलाइजिंग और सप्लाई ऑफ O2, ठीक है, हमारे एटमोसफेयर में जो O2 है वो बनी रहती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ये एक रिमार्केबल प्रोसेस है, कैरीड आउट होता है कैसे, यस, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स से, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोट भी पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोकैरियोट भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे हम थोड़े से। सो मोस्टली पीपल्स होते हैं जो एसोशिएट करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को कि वो बहुत बड़े होते हैं, है ना, मोर ऑब्वियसली वो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या समझते हैं कि प्लांट्स ही हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। बट जो अगर मैं बात करूँ हमारी अर्थ पे,
जो हाफ पार्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस का, वो सिर्फ किसके वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50% जो हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है, ठीक है। बाकी किसकी वजह से हो रहा है, प्लांट्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंड प्रोकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं, मल्टी सेलुलर ग्रीन ब्राउन एंड रेड एल्गी आती है, कुछ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लेनोइड्स, डायनोफ्लेजिलेट्स एंड डायटम्स आते हैं। इससे अलग अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि काफ़ी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो इनमें आते हैं साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, होलोबैक्टीरियम, ठीक है, इसमें आर्कियन आते हैं, नेक्स्ट है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एंड नेक्स्ट है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, या फिर जो लास्ट आता है ये क्या है, यस प्रोक्लोरोन। सो यहाँ पर नेक्स्ट हम जानेंगे फोटोट्रॉप्स के बारे में। फोटोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनमें ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, जो कैरी आउट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, फोटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये दो कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं, कौन कौन से, फोटोऑटोट्रॉप्स एंड फोटो हेटरोट्रॉप्स। फोटोऑटोट्रॉप्स क्या होंगे, वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो यूज़ कर रहे हैं लाइट एनर्जी को और साथ साथ इनऑर्गेनिक कार्बन को अपने ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, किस किस को, लाइट एनर्जी को एंड इनऑर्गेनिक कार्बन को ये यूज़ करते हैं। बट फोटो हेटरोट्रॉप्स क्या होंगे, दे आर ऑर्गेनिज्म दैट यूज़ लाइट फॉर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के लिए किसको यूज़ कर रहे हैं, लाइट को, बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसको यूज़ नहीं करते हैं एज अ सोल कार्बन सोर्स, ठीक है, ये किसी और कंपाउंड को यूज़ करते हैं, इसलिए ये क्या है, फोटो हेटरोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से टाइप के होते हैं। सो जो पूरा फोटोसिंथेसिस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, कौन कौन सी, लाइट रिएक्शन में और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। पहले लाइट रिएक्शन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो लाइट एनर्जी इसमें क्या होती है, ट्रैप्ड हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब यही जो एनर्जी है जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, ये यूज़ होती है, ठीक है, टू रिड्यूस, या फिर रिड्यूस करने में या फिर फिक्स करने में CO2 को, और साथ साथ सिंथेसाइज करने में साइज सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, डार्क रिएक्शन में, ठीक है, डार्क रिएक्शन में, यानी कि जो भी रिएक्शंस होने वाले उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसको सिंथेसाइज करने में। अब जो टोटल है फोटोसिंथेसिस वो कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, ऑक्सीजनिक, एनऑक्सीजनिक एंड रोडोप्सिन बेस्ड फोटोट्रॉपी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजनिक मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जितने भी प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जो उसमें क्या होगा, रिलीज होती है क्या, ऑक्सीजन, तो इसलिए हम इसके क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजनिक, ऑक्सीजन जनरेट करने वाला फोटोसिंथेसिस, ठीक है, किसमें हो रहा है, प्लांट्स में, एल्गी में, साइनोबैक्टीरिया में। अब जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यही, यानी कि यही ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, क्या करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी को सन से लेते हैं, किस फॉर्म में, फोटोन्स की फॉर्म में, और यही जो फोटोन्स है कलेक्ट होते हैं किससे, की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, जो कि कैसे एक्ट करता है, एज अ मैग्नेट, ठीक है, जिससे क्या, क्लोरोफिल कैसे एक्ट करेगा, यस एज अ मैग्नेट वर्क करेगा, जिससे वो पुल कर सके किसको, प्रोटोन्स को, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने पूरा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा इन केस ऑफ प्लांट्स ऑल्सो, तो आपने देखा होगा क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं जो क्लोरोफिल की हेल्प करते हैं अलग अलग इंटेंसिटी पर लाइट को एब्जॉर्ब करने में, जो कि फिर फर्दर वो किसको देते हैं, क्लोरोफिल को दे देते हैं, यस। ये जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे होगा, इन द लीव्स ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट्स की लीव में होगा, जहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जनरेट होता है अलोंग विद वाटर, ठीक है, टुगेदर दीज कैन कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है, और साथ साथ कुछ शुगर, ठीक है, या तो क्या करेगा ये, यस, या तो ग्लूकोज बनाएगा या कोई और शुगर बनाएगा, दैट प्लांट यूज फॉर एनर्जी, ठीक है। होता क्या है, रिएक्शन की फॉर्म में समझते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर और लाइट एनर्जी, ठीक है, साथ साथ कौन होगा यहाँ पर, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या बनाएंगे, एक शुगर बनाएंगे, वो ग्लूकोज भी हो सकती है, साथ साथ ऑक्सीजन जनरेट होगी एंड वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑक्सीजेनिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है।
नेक्स्ट हम जानेंगे एनोक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो इसमें क्या होगा, एनोक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या है, एक बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस ही है जो कैसे हो रहा है, एनारोबिक कंडीशन में होता है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यूजिंग द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, क्या होगी इसमें यूज, फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज होगी इन अ नॉन साइक्लिक मोड। ठीक है, सिर्फ इसमें साइक्लिक मोड ही होगा, नॉन साइक्लिक मोड नहीं होगा, एंड रिड्यूस हो जाएगी किसमें, इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर्स में, सच एज कौन कौन से डोनर्स हो सकते हैं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, फेरस आयन हो सकता है। ठीक है, जो क्या करेंगे, एज इलेक्ट्रॉन डोनर वर्क करते हैं। रिएक्शन की फॉर्म में समझते हैं सिंपली इसको, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और H2A, ए क्या है यहाँ पर, एक ऐसा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, जो क्या करने वाला है, कोई कुछ भी हो सकता है वो, H2O वाटर भी हो सकता है वो, ठीक है, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, या फिर डाइहाइड्रोजन भी हो सकता है, या फेरस आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साथ साथ लाइट एनर्जी, और साथ साथ क्या होगा यहाँ पर, क्लोरोफिल, अगर बैक्टीरिया में हो तो क्या होगा, ये बैक्टीरियल क्लोरोफिल, और क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वो ग्लूकोज भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ये जो ए है हमारा, ठीक है, वो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, उसी का ही कुछ कंपाउंड, उसी से कुछ रिलेटेड कंपाउंड जनरेट होगा, और साथ साथ क्या होगा, वाटर जनरेट होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन नहीं बनता है, ऑक्सीजन का जनरेशन नहीं होता है, इसलिए क्या है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है रोडोप्सिन बेस्ड फोटोट्रॉफी या रोडोप्सिन बेस्ड फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो क्या होते हैं ये, वन ऑफ द अनयूजुअल फॉर्म है ये फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की या फोटोट्रॉफीज़ की, जो कि कौन यूज़ करता है, आर्किया यूज़ करता है। ठीक है, क्या होता क्या है इसके अंदर, कि जो इसमें कोई भी क्लोरोफिल या बैक्टीरियल क्लोरोफिल यूज़ नहीं होता है, विदाउट द यूज़ ऑफ होता है ये क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल। सो क्या होगा, इसमें क्लोरोफिल की जगह पर क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरियो रोडोप्सिन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरियो रोडोप्सिन, या हम ज़्यादा अप्रोप्रिएटली बोलें क्या बोलेंगे, आर्कियो रोडोप्सिन। ठीक है, यानी कि वो रोडोप्सिन जो आर्किया यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फोटोट्रॉफिक मेटाबोलिज्म किस में हो रहा है, रोडोप्सिन बेस्ड फोटोट्रॉफी वाला आर्कियो बैक्टीरिया में हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कौन यूज़ करते हैं, आर्कियो रोडोप्सिन इसमें यूज़ होता है। अब आर्कियो रोडोप्सिन क्या है, एक तरीके का मैं कहूँ कि सिमिलर होता है, किस तरीके से, कि जो कंपाउंड वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स की आईज़ में मिलता है उससे काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी रखता है। ठीक है, क्या, रोडोप्सिन। ठीक है, एक तरीके का मैं कह सकती हूँ कि पिगमेंट ही है ये भी। अब ये वर्टिब्रेट की आई से कैसे सिमिलरिटी रखता है, क्योंकि ये भी लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करने वाला प्रोटीन है, और वर्टिब्रेट्स की आई में भी क्या होता है, लाइट एब्जॉर्ब होती है, वही वाला प्रोटीन होता है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में मैं तब बात करूँगी जब कभी फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे पिगमेंट्स के बारे में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। सो यस, नेक्स्ट है टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। सो यस, मेन जो ग्रुप हैं वो क्या है, एनऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया के ग्रुप्स हैं। सो जिनमें क्या आता है, पर्पल बैक्टीरिया, किसमें, एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में क्या आता है, पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन बैक्टीरिया, जबकि ऑक्सीजेनिक में क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया एंड प्रोक्लोरोफाइट्स। फर्दर जो हमारा एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है वो टोटल 7 सब ग्रुप्स में डिवाइड होता है, और उसकी जो मेन कैटेगरीज हैं वो क्या है, पर्पल बैक्टीरिया जिसमें 2 टाइप के, और फर्दर और हम कह सकते हैं कि हमने क्लासीफाई किया है किसमें, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, देन ग्रीन बैक्टीरिया भी, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया क्या होगा, जो सल्फर को यूज़ करेंगे, और जो सल्फर को यूज़ नहीं करेंगे वो नॉन सल्फर हो गए। ठीक है, इस तरीके से पर्पल सल्फर एंड पर्पल नॉन सल्फर, ग्रीन सल्फर एंड ग्रीन नॉन सल्फर। अब पर्पल बैक्टीरिया कौन से पिगमेंट यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी। ठीक है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल को हम शॉर्ट में लिखते हैं BCHL। ठीक है, एंड क्लोरोफिल को CHL लिखते हैं इन शॉर्ट। तो यस, जो हमारे पर्पल बैक्टीरिया पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं वो बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए एंड बी, कार्बन सोर्स ये यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इसमें होते हैं डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फर। एंड ग्रीन बैक्टीरिया कौन सा पिगमेंट यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल CDE और कुछ अमाउंट में बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए भी यूज़ करते हैं। इससे अलग कार्बन सोर्स होता है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है इनमें डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फर। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया की बात करूँ तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, साइनोबैक्टीरिया एंड प्रोक्लोरोफाइट्स। अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो ये जो बैक्टीरिया हैं, कौन से, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया,
इनमें भी फर्दर फाइव ग्रुप्स होते हैं, बट मेन टाइप क्या है इनके, साइनोबैक्टीरियन क्रोक्लोरोफाइट्स। तो यस पिगमेंट्स ये यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलीन्स, ठीक है। और कार्बन सोर्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है इसमें वाटर। सेम प्रोक्लोरोफाइट्स में कौन सा पिगमेंट यूज़ होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी। एंड जो कार्बन सोर्स होगा इसमें वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होगा, वाटर होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।